I am Pritika Sharma of Class 12. So today we have a panel discussion on the topic discipline and punishment. So I am here with some of my fellow classmates, the panelists Shruti, Himshika, Adhiraj, Urvi, Shail, Shreyans and Paras. Welcome everyone. So आज का topic है discipline and punishment. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. तो टीचर्स और पेरेंट्स हमें अर्ली एज से सिखाने लगते हैं, राइट? तो सो टुडे वी हैव दिस डिस्कशन इन ऑर्डर टू हाईलाइट दैट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट अ चाइल्ड कैन हैव फिजिकली और मेंटली. सो लेट मी फर्स्ट गो टू श्रुति. सो श्रुति, वी सी दैट पेरेंट्स यूज टू बिहेव देयर चाइल्ड वेरी स्ट्रिक्टली. सो एंड ऑल्सो यूज टू कंपेयर with other children for their low performance. So in that situation, what do you think that why parents are doing like this? Okay, so as per my observation, parents behave strictly with their children because they want their child to be the perfect one. किसी भी बच्चे के पेरेंट अगर उसे डांटते हैं या उसे उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बेस्ट करे या परफेक्ट बने, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं. बट सम टाइम्स क्या होता है, बच्चों के मन में ये बातें बहुत ही नेगेटिव वे में बढ़ जाती हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स के थ्रू ही उनसे दूर होने लगते हैं. लाइक अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट उसे दूसरे बच्चों से कंपेयर करता है, सो आई थिंक एज पर माई ऑब्जर्वेशन पेरेंट्स शुड नॉट डू दिस बिकॉज दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव माइंड सेट इन द स्टूडेंट्स माइंड. लाइक वो ये सोचता है कि मतलब अगर पेरेंट अपने बच्चे को बोलेगा कि तुम नहीं कर सकते हो या उनका बच्चा इतना अच्छा कर रहा है और तुम ऐसे कर रहे हो, तो इस चीज का बच्चे पे बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है. लाइक बच्चा ये सोचता है कि मेरे पेरेंट को मेरी तो पढ़ी नहीं है एंड ऑल. सो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर चाइल्ड के अंदर उसकी एक यूनिक क्वालिटी होती है और उसकी उस यूनिक क्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए. और पेरेंट्स को कभी भी स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए. अगर हम देख रहे हैं हमारा बच्चा डिप्रेस है या थोड़ा लो परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहले हमें बच्चे से कन्फ्रंट करना चाहिए कि एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ हुआ क्या है, उसने ऐसा क्यों किया. सो और कई केसेस में क्या होता है कि अगर पेरेंट अपने बच्चे के साथ उसको ज्यादा मेंटल ट्रॉमा देता है या मेंटल ट्रॉमा इन द सेंस उसे ज्यादा डांटता है या कंपेरेंस करता है, तो बच्चा उस चीज को हद से ज्यादा नेगेटिव वे में ले लेता है और वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर चीज से दूर जाके डिप्रेशन में जाने लगता है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगता है. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल रहे, लाइक परमानेंट एक ही जगह पे ना रहे. पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनकी यूनिक क्वालिटी को सपोर्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए. थैंक यू श्रुति. ओके, थैंक यू श्रुति, यू हैव गिवन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स मूव टू अधिराज. सो अधिराज, यू आर टीचिंग इन द क्लास एंड यू आर सीइंग देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लास. So, how you will handle that class if there are more students in the class and they are making chaos and moving here and there? So, how you will handle that situation? So, Pritika, as you have asked, if in my class lack of discipline, so what should I do? So, first of all, I will improve the class management. Like, as a teacher, मैं अपनी क्लास को इस तरह ऑर्गेनाइज करूंगा सुबह कि कोई ध्यान दे सकूँ. सेकेंडली, मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा ताकि और उनसे पूछूंगा कि हाँ बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और उनसे मैं सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू. थैंक यू अधिराज, योर ओपिनियन इज वेरी गुड. सो लेट्स मूव टू शैल. शैल, इफ यू आर सीइंग दैट इन अ क्लास द चिल्ड्रन इज फ्रीक्वेंटली अब्यूजिंग, सो टू ओवरकम इट, हाउ यू विल हैंडल दैट सिचुएशन? So nowadays, as we can see, many of the students are using abusive language in the school. So to overcome this problem, सबसे पहले तो हमें students को ये समझाना चाहिए कि ऐसे वो मतलब abusive language में school में बिल्कुल भी communicate नहीं कर सकते हैं. और most of the cases में ऐसा होता है कि ज़्यादातर seniors जो हैं वो abusive language का use करते हैं और वही same चीज़ उनके juniors भी follow करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. तो सीनियर्स को भी ये समझना चाहिए कि जो चीज़ वही वो करेंगे वही सेम चीज़ उनके जूनियर्स भी फॉलो करेंगे. सो दे शुड नॉट डू दैट. थैंक यू. थैंक यू शैल, यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. सो लेट्स मूव टू उर्वी. सो उर्वी, सपोज यू आर अ सीनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ योर स्कूल एंड यू आर सेइंग दैट चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 टू 10 आर बिकमिंग अनडिसिप्लिन्ड.
So how you will handle that situation? How you will counsel the students as well as teacher? Okay, so firstly I think teachers ko pata hona chahiye that what kind of discipline issues we expect them to handle in class and what to be sent in office. And अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट को ऑफिस भेजा है देन आई ट्राई टू मैं उस स्टूडेंट से बहुत कामली बहुत पोलाइटली बात करूँ उसे समझाऊँ और अगर फिर भी वो स्टूडेंट वही सेम गलती दोबारा रिपीट कर रहा है देन उसे पनिश करूँ एंड आई ट्राई टू बी फेयर विद एवरी स्टूडेंट ऑल्सो द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम दैट आई थिंक क्रिएट्स टू मच इंडिसिप्लिन इन द क्लास इज दैट कि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जिसकी वजह से जो टीचर है वो हर बच्चे पे इक्वली ध्यान नहीं दे पाता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में 60 to 65 स्टूडेंट्स हैं देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल टीचर टू हैंडल ऑल ऑफ देम सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आइदर आई विल कीप टू क्लास टीचर्स इन द सेम क्लास और आई विल डिवाइड द क्लास इनटू सेक्शंस एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक काउंसलिंग सेक्शंस फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो Thank you, Urvi. You have explained very well. So let's move to Paras. Paras, if you are a sports teacher and you are seeing that a children is not accepting its failure, so this leads to further fight in the class. So how you will handle that situation? First of all, thanks, Kritika, for selecting me as a sports teacher. As a sports teacher, I will try to understand the situation by which the fight can be generated. The children who can fight in classrooms, I will try to understand them with a positive behavior so that they do not fight in classrooms. Thank you, Paras. So let's move to Himshika. Himshika, you are a senior student in your role and you are watching that your juniors are fighting. So, for their safety, what you will do? Firstly, I will ask the reason of their fight and then मैं उन्हें समझाऊंगी कि उन्हें इतना उन्हें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए उन्हें इतना लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि लड़ाई करने से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलता है उन्हें एक दूसरे से अच्छे से बात करनी चाहिए एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करके अपनी लड़ाई को सॉल्व करना चाहिए अगर इसके बाद भी वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो हमें और बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें उनकी कंप्लेंट टीचर से ड्राइवर से करनी चाहिए क्योंकि इससे और बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है थैंक यू अंशिका यू हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल सो लेट्स मूव टू श्रेयांश कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने एक बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो दूसरा बच्चा डिप्रेस फील करता है तो इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे पहले मैं चाहूँगा कि दोनों बच्चे जो हैं हमारे ऊपर हमारा तो बराबर अटेंशन रहे और अगर ऐसा नहीं होता है बाई चांस तो किसी फिजियोलॉजिस्ट और काउंसलर से हम बात करेंगे ताकि वो काउंसलिंग कर सकें और उसके बाद में पहली बात तो हम उनको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे बात करने की कि वो अपनी बात खुलकर कर सकें कि तो हम उनसे बात बराबर कर पाएँ और उनका जो बिहेवियर है वो आपस में बच्चे हो गए थैंक यू थैंक यू श्रेयांश तो इन सभी का कंक्लूजन ये निकलता है कि दैट बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड बिहेव पोलाइटली टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड दे शुड ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल्स एज वेल एज होम ऑल्सो सो थैंक यू ऑडियंस थैंक यू माई पैनल थैंक यू एवरीवन